ना मक्खन, ना घी, ना तेल का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी स्वाद बेमिसाल। संडे वाले दिन जब उठने का मन नहीं करता, कोई एक ऐसी रेसिपी मिल जाए जो लोग दौड़ दौड़ के खाएं, टेस्टी भी हो, हेल्दी हो और क्विक बन जाए, क्या है एक ऐसी रेसिपी? जी हाँ, तो हमारी ये रेसिपी है एवोकाडो सैंडविच, जो कि बहुत ही हेल्दी है। इसमें हम लेमन यूज़ करेंगे, ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे और कुछ मसालों का यूज़ करेंगे। स्वागत है आपका फूडी खुराना में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आइए देखते हैं। 1/2 टीस्पून हम लेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून हम लेंगे जीरा पाउडर, धनिया है और कुछ हमारे पास और मसाले हैं। मसालों में क्या है, चिली फ्लेक्स है, सॉल्ट है, सॉल्ट स्वाद अनुसार है यानी नमक, उसके अलावा ऑरेगानो है और तुलसी के सूखे पत्ते हैं, प्याज, टमाटर, नींबू, एवोकाडो, अपना खीरा और 8 ब्रेड पीस ले लिए। प्याज, टमाटर और खीरा, इन तीनों को हमने गोल गोल और पतला पतला काटना है। तो इस सैंडविच का बेनिफिट क्या है ना, इस सैंडविच में कोई चीज, मक्खन, घी कुछ भी नहीं है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल चीज सैंडविच वाला है। मेरे को तो चीज बहुत पसंद है, पहले मैं बिना चीज से कोई सैंडविच नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैंने ये सैंडविच खाया है ना, तो मैं तो चीज को भूल ही गई हूँ। अब हमने बनानी है एवोकाडो की पेस्ट। इसके लिए हम इसको फोक से अच्छे से मैश कर देंगे। अगर आपका एवोकाडो थोड़ा हार्ड है तो आप उसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, हमने थिक पेस्ट बनानी है एक। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। सबसे पहले डाल रहे हैं हम नमक, इसके साथ साथ डालते हैं काली मिर्च और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर इसमें बहुत ज़रूरी है, इसी से सारा टेस्ट बनता है। और धनिया भी डाल देते हैं, इसके साथ हम इसमें अब नींबू निचोड़ देते हैं। आप चाहो तो एक नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वैसे मुझे नींबू ज़्यादा पसंद है तो मैं तो एक करता हूँ, पर हमने रेसिपी के लिए आधा रखा है। यस, अब हम इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। नींबू में विटामिन सी है, बहुत शक्ति देता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो टेस्ट करके बताओ कैसे बने। बिल्कुल टेस्ट करती हूँ सारे मसाले, बहुत बढ़िया है। अगर सिर्फ इसको ही ब्रेड पे लगा के खा लेना, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन अभी तो और भी चीजें जाएंगी। बिल्कुल जाएंगी। सबसे पहले हम इस पे हमारी एवोकाडो पेस्ट की लेयर लगा देते हैं। जितनी ज्यादा ये पेस्ट लगी होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, इसलिए हम इसको दोनों स्लाइसेस पे लगाएंगे। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी, सारा टेस्ट ही इसके अंदर है, ये जो हमने पेस्ट बनाई है। और स्पाइसेस हमने इस हिसाब से रखे हैं कि ये बहुत तेज नहीं है, कि बच्चे आराम से खा सकते हैं। इसमें डालने हमारे मसाले, सबसे पहले हम थोड़े से इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं तुलसी के सूखे पत्ते, इसके बाद हम डाल देते हैं ओरिगानो और साथ में हम इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। आपको जितना स्पाइसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब हम इसको सैंडविच मेकर में डाल देते हैं। आप इसको डायरेक्टली सैंडविच मेकर में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके की ग्रीसिंग ऑयल से या बटर से करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको बंद करते हैं और 3 मिनट में ये फटाफट से तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो धुआं निकलना शुरू हो गया है, बस थोड़ा इंतजार और। वाओ, रेडी है हमारा सैंडविच फिर? बिल्कुल जी बिल्कुल, आइए निकालते हैं। बहुत पेट में चूहे कूद रहे हैं। बहुत गर्म है, इससे काटते हैं इसको। अब मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ, फिर बताती हूँ कैसा है। एवोकाडो का बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं सारा मैं ही खा जाऊंगी। आप भी टेस्ट करो। बहुत क्रंची है अंदर से, एवोकाडो का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, प्याज टमाटर जो स्पाइसेस के साथ मिक्स करके बने हैं चीज, बहुत जबरदस्त है, आप सबको ट्राई करना चाहिए। और अब आप देख सकते हो इसको,
जो इसके अंदर एवोकाडो है, टमाटर है, सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया इसका, बहुत अच्छा टेस्ट। जरूर खाना चाहिए और सबको खिलाना भी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।